आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। फादर है मेरे, बाईपैप लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है कि मिल जाए एक सिलेंडर, मिल जाए कि पहुंचा दे, हम फिर आगे लाइन में लग जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम, कल से कई हॉस्पिटलों में धक्के खा के आ रहे हैं, लेकिन कहीं हमें जगह नहीं मिल रही है। और अब पीएम के आइडिया पर हिंदुस्तान वैक्सीन का विश्व गुरु बनने का सफर भी शुरू हो चुका है। हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं, 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके। देश में कोरोना की दूसरी वेव चल रही है और अभी भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। अभी जो कोरोना के हालात हैं वे काफी परेशान करने वाले हैं। पिछले साल भी कोरोना ने धीरे से शुरुआत की और तेजी से बढ़ने लगा। देश में लॉकडाउन भी लगा दिया गया था और साल के अंत तक कोरोना के मामले काफी कम हो गए थे। वैक्सीन की तैयारी की खबर भी आनी शुरू हो गई थी और मोदी जी ने तो एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कह दिया था कि भारत कोरोना से लड़ने में सफल रहा। मुझे याद है पिछले साल फरवरी मार्च अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। जनवरी 2021 में भारत में बनी दो वैक्सीन को अप्रूवल मिला, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। वैक्सीन के बनने पर मीडिया सरकार की तारीफ करता ही नजर आया। हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखने के लिए आज दुनिया के 64 देश हैदराबाद पहुंचे। वहीं दिल्ली में देश में बन रही दो वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर एक अहम बैठक भी हुई। भारत में वैक्सीन बसाने ही वाली है, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने देश में वैक्सीन दिए जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कोरोना से जंग का ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लान है। देखिए, वैक्सीन जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी देश को कोरोना के इस वायरस से मुक्ति मिल जाएगी, और इसीलिए मोदी सरकार पूरी तरीके से इस वक्त मिशन मोड में आ चुकी है। लेकिन आज हम आपको भारत के बजते डंके का सजीव चित्रण दिखाएंगे। दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के 64 देश कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के इस महामारी के समंदर से जिंदगी के साहिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार ने वैक्सीन को अपने पड़ोसी देशों को मदद के तौर पर फ्री में देने का फैसला किया। इसके बाद गोदी मीडिया में खुशी की एक लहर देखने को मिली और हर जगह मोदी की तारीफ होने लगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च कर भारत इतिहास पहले ही रच चुका है और अब पीएम के आइडिया पर हिंदुस्तान वैक्सीन का विश्व गुरु बनने का सफर भी शुरू हो चुका है। मोदी की विदेश नीति में पड़ोसी और दोस्त सबसे पहले की तर्ज पर आज से पड़ोसियों को कोविड वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। वैक्सीन डिप्लोमेसी की जरा मैं बात कर लूं, भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन दे रहा है। इस लिस्ट में एक नया नाम ब्राजील का जुड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक ट्वीट अब से कुछ देर पहले किया जिसमें उन्होंने भारत को थैंक यू कहा है, धन्यवाद कहा है, हिंदी में धन्यवाद कहा है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें हनुमान जी को वैक्सीन लेकर ब्राजील जाते हुए दिखाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। भारत की वैक्सीन नीति को दुनिया भर में मिल रही तारीफों से जुड़ी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पीएम मोदी की वैक्सीन नीति को भारत के तेजी से बढ़ते कदम से जोड़ा है। अमेरिकी अखबार में छपे लेख में कहा गया है कि जिस तरह से भारत ने नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश समेत कई अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी है, उससे दुनिया भर में भारत की साख और मजबूत हुई है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसाल शर्मा ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ जानकारी दी और सरकार पर सवाल भी उठाए। देश की जनता मर रही है और आप खामोश हैं, मुझे आपकी इस खामोशी पर आपत्ति है। ये खबर पर गौर कीजिए जो इंडियन एक्सप्रेस की, इस खबर के मुताबिक भारत ने एक दो नहीं बल्कि 6.6 करोड़ वैक्सीन्स टीके उन देशों को भेजे जहां पर हालात गंभीर नहीं थे। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि 6.6 करोड़ अगर ये टीके भारत के लिए रखे गए होते तो दिल्ली और मुंबई की आबादी दोनों को टीके लग चुके होते, वैक्सीन्स लग चुके होते। 64 ऐसे देशों को ये टीके भेजे गए जहां पर केसेस और डेथ्स जनवरी 21 में भारत से कम थे। 61 ऐसे देशों को भेजे गए टीके जहां 30 अप्रैल को भारत से कम थे मामले। 21 ऐसे देशों को टीके भेजे गए जहां प्रति लाख 100 से भी कम केसेस थे। कोरोना की पहली वेव के बाद कुछ देशों में कोरोना की सेकेंड वेव भी देखने को मिल गई थी, पर फिर भी हमारे देश के सरकार को अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर भारत में भी देखने को मिल सकती है। शायद इसी वजह से देश में 5 राज्यों में चुनाव देखने को मिले और कुंभ मेले के लिए भी इजाजत दे दी गई। दोनों ही जगह काफी भीड़ देखने को मिली। अभी के हालात की बात करें तो देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोविड केस सामने आ रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामले आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं और 3,000 से ज्यादा लोग रोजाना देश में मर रहे हैं। ये भी आंकड़े कितने हद तक सही हैं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ राज्य मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं। लोगों की परेशानी को साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लोग ऑक्सीजन, बेड और दवाइयां ना मिलने के कारण परेशान हैं। मैम सही आंकड़े कितनी मौतें हुई ना मैम, ये शमशान घाट और कब्रिस्तान में जाके देखिए मैम, मेरे घर के पीछे काले रण कब्रिस्तान है, रोज 25 कब्रें आ रही हैं, जनाजे आ रहे हैं रोज, कल भी 25 आए, आज भी 25 आए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। कल मम्मी को सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही रीजन है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। यहाँ पे मैम लिख दिया प्राइवेट को नहीं मिलेगा, अभी तक था कि पार्ले वाले में मिलेगा, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे भी लिख दिया कि प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा, बोर्ड ऐसे टांग दिया, पुलिस वाले खड़े रहते अंदर नहीं जाने। मैम हम लोग कहते हैं कि अंदर जाने दिए, बात तो करने दी, हम वीडियो कॉल भी दिखाते हैं, मैम फादर है मेरे, पाइप लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है कि मिल जाए, एक सिलेंडर मिल जाए कि पहुँचा दे, हम फिर आगे लाइन में लग जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, कोई जवाब दे दे। मतलब हम लोग बोलते रहे, मैम सुबह 7 बजे से आए, पूछ पूछ के मैम परेशान होकर बाहर आ गए। कल से परेशान हो रहे, कहीं बेड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो रहे हम। कल से कई हॉस्पिटलों में धक्के खा के आ रहे, लेकिन कहीं हमें जगह नहीं मिल रही है। अभी ऑक्सीजन पे मेरा मरीज एकदम बिल्कुल नॉर्मल था, अभी तुरंत ऑक्सीजन निकला है और उनकी स्थिति खराब होते जा रही है। अब सर हॉस्पिटल का नाम एक बस एक आदमी मन के संतोष के लिए समझ लीजिए हॉस्पिटल पे आ रहा है और ये मान ले रहा है कि अगर बच गए तो हमारे, नहीं बचे तो भगवान के। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से आई जिसके कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली। वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर बेड्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा।
मीडिया रिपोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, बेड ना ढूंढ रहा हो, या हॉस्पिटल में ना तड़प रहा हो, या मर ना गया हो। ऐसे में जब यह स्थिति थी तो हमारे देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1,00,000 मृत्यु हो चुकी है, 1,00,000 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं, 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके। खैर, भारत के हालात देखते हुए कई देशों ने भारत में मदद भेजी। किसी किसी देश ने ऑक्सीजन भेजी तो किसी ने वैक्सीन और किसी ने वेंटिलेटर्स। विपक्ष द्वारा आलोचना किए जाने और दूसरे देशों द्वारा भारत की मदद करने पर भी मीडिया सरकार की ही तारीफ करता नजर आया। माहौल बनाया गया था ना कि भारत ने दुनिया की मदद क्यों की। याद करिए, बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि क्या जरूरत थी दुनिया की मदद करने की, क्यों 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दुनिया को दे दी, क्या जरूरत थी दानवीर बनने की। भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक है। तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम का मजाक बनाया गया, बहुत मजाक बनाया था। क्या जरूरत थी 6.5 करोड़ की मदद करने की, अकेले लड़िए। भारत में जहां कुछ विपक्षी दल वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे, बीजेपी वैक्सीन और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा था, आप जानते हैं आज वसुधैव कुटुंबकम का नतीजा दिखिए। मोदी से बातचीत के बाद अमेरिकी प्रशासन 60 मिलियन डोज दुनिया को देने को राजी हुआ है, जो इसकी पॉलिसी शिफ्ट में बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन भारत की नीति पर सवाल उठाने वाले अब सब चुप हैं। सवाल पूछे जा रहे थे कि भारत ने एक्सपोर्ट क्यों किया, क्यों मदद की वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया भारत के साथ है। फ्रांस भी इस महामारी के दौर में भारत के साथ हर संभव मदद का भरोसा दे रहा है। पर फिर भी मीडिया को जनता की परेशानी नहीं दिखाई दी। भले ही भारतीय मीडिया सरकार से सवाल ना करे, पर विदेशी मीडिया लगातार भारत सरकार से सवाल भी कर रहा है और उसकी कड़ी आलोचना भी कर रहा है। टाइम ने अपनी मैगजीन को टाइटल दिया इंडिया इन क्राइसिस। द ऑस्ट्रेलियन ने अपने एक आर्टिकल में मोदी सरकार की आलोचना की और टाइटल दिया मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोकलिप्स। विदेशी मीडिया की आलोचना के बाद भारत सरकार ने इसका जवाब भी दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तैनात भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग चल रही है। कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को अयोग्य करार देने के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नैरेटिव को जरूर जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार कोरोना महामारी को रोकने में अब तक कितनी सफल रही, यह सब आपके सामने ही है। अगर सरकार अब भी एक्शन नहीं लेगी तो कब लेगी? पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।